जैसा कि आप देख रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लो और घंटा बटन दबा दो। सो हाय गाइस, मेरा नाम है अंशुमन एंड आज आप सबको मेरी तरफ से बहुत ही ज्यादा प्यारा सा नमस्ते। एंड भाई आज भी मेरे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, तो भाई यार वीडियो के अंत तक देखते रहना। बट उससे पहले अगर आप लोग यार चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई यार सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। भाई यार एक सेकंड लगता है यार, कर लो सब्सक्राइब। तो चलिए बढ़ते अपने भाई पहले अपडेट की तरफ। तो हम लोग बात करने वाले हैं सौरभ जोशी के बारे में। तो भाई सौरभ जोशी अपना आज का व्लॉग अपलोड करते हैं एंड उसमें भाई यार वो दिखाते हैं कुछ ऐसे ड्रंक मैन को जो कि भाई वो अपनी यार वीडियो में लिटरली भाई उनको परेशान कर रहे थे। वो भाई अपनी कार में आराम से भाई बैठे एंड भाई बार बार उनकी कार के आसपास भाई वो राउंड लगा रहे थे एंड उस चीज पे भाई यार सौरभ जोशी काफी ज्यादा एंग्री होते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूं भाई यार उसका एक छोटा सा क्लिप, देखो। अरे जान दो, है क्या इसके अंदर? इधर आ, बताता हूं क्या भाई, इधर आ। नाम बताइए अपना। मेरा प्रशांत कुमार। ठीक है ठीक है, तू जहां तक का कहेगा वहां तक का कर लिए मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हां बना ली बना ली। लॉक कर लो गाड़ी, लॉक कर लो। आपने बिल्कुल सही बोला, ऐसे लोग छपरी होते हैं। हाँ। नाइस, आइडेंटिफाई तो कर लिया उसने कौन छपरी कौन नहीं। हाँ यार कुनाली, मतलब आपको पता कैसे चला कुनाली? आपको पता कैसे चला? कैसे आपको दिमाग कैसे चला पता है? पता कैसे चला आपको? जैसे मैंने फर्स्ट में अपना दिमाग लगाया था पेपर देने में, वैसे मैंने इन छपरे को दिमाग लगा के पहचान लिया कि ये छपरी है। मतलब कैसे पहचाना, मतलब आपने पहचान लिया यार? तो गाइस देखो अभी क्या हुआ, अभी चाय जी गए थे मोमोज लेने के लिए, तो हम गाड़ी में बैठे थे तो दो दो तीन लड़के ऐसे गाड़ी के बाहर ऐसे ऐसे इधर कभी इधर जा रहे, कभी इधर जा रहे, कभी इधर झांक रहे, कभी ऐसे कर रहे। फिर यहाँ आके आपने देखा बदतमीजी करने लगे खुद ही। फिर मैंने कैमरा ऑन कर लिया, फिर कह रहे कैमरा क्यों ऑन कर रहे हो ऐसे ऐसे करके। और फिर देखो सिद्ध हो गया कि छपरी छपरी है मेरी वजह से। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट्स में। तो हम लोग बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो भाई क्या आम आदमी पार्टी की भाई स्वाति मालीवाल ध्रुव राठी से काफी ज्यादा गुस्सा है एंड क्या सीन था? तो भाई आप सबको पता है जो कि भाई ध्रुव राठी हैं भाई काफी सारी वीडियोस बना चुके हैं भाई मोदी 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 को भाई एक्सपोज करते हुए। बट अभी के टाइम पे भाई जितने भी केजरीवाल के काफी सारे मेंबर्स हैं भाई उनको काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। तो उनमें से भाई यार एक स्वाति मालीवाल है एंड भाई वो भी इस चीज पे यार कुछ बात करते हैं एक पॉडकास्ट में आके। तो वो क्या कुछ कही मैं आपको उसका एक छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ भाई, देखो। क्या आम आदमी पार्टी ने ध्रुव राठी का भी आपके खिलाफ इस्तेमाल किया है? जी मैं ऐसा मानती हूँ। इनफैक्ट मैं ध्रुव राठी को बहुत पसंद करती आई हूँ और हमारे घर में तो सभी उनको बहुत लाइक करते हैं, लेकिन जो उन्होंने इस बार मेरे साथ करा मैं उसके बहुत खिलाफ हूँ। देखिए वो बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं इस वक्त, पूरा देश उनको देखता है, पूरा देश उनको सुनता है। ऐसे में एक बिल्कुल वन साइडेड वीडियो करना, क्योंकि वो आप लीडरशिप के बहुत क्लोज हैं, क्योंकि वो वॉलंटियर भी रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के। हाँ जी बिल्कुल, उस समय उनका इस तरीके का एक वीडियो करना मेरे हिसाब से बहुत ख़राब है। उन्होंने अपनी वीडियो में ये नहीं बताया कि मेरी इंजरीज हैं MLC में, उन्होंने अपनी वीडियो में ये नहीं बताया कि CCTV फुटेज डिलीट करी गई है, ये नहीं बताया कि उसमें फ़ोन को टैम्पर करा गया है, एविडेंस को टैम्पर करा गया है, ये नहीं बताया कि जब वो अक्यूज अरेस्ट हुआ है तो क्राइम सीन से ही अरेस्ट हुआ है। और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि मैं कैसे BJP की एजेंट हो गई, जो लड़की मणिपुर गई जिसने पूरी ज़िंदगी जब जब किसी ने गलत कराओ अकेली आवाज़ पूरे देश में अगर कोई खड़ी हुई है तो मैं हुई हूं, और अब मैं रातों रात BJP की एजेंट हो गई। उन्होंने एक इतनी वन साइडेड वीडियो करी जो मेरे को लगता है इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के लिए सही नहीं है। वो मेरे से बात कर सकते थे, मैंने उन्हें फोन भी करने की कोशिश करी, मैंने उन्हें मैसेजेस भी करने की कोशिश करी कि ध्रुव कैसे हो गया यार, बात तो करो एक बार, लिसन टू माई साइड ऑफ द स्टोरी एज वेल। बट उन्होंने एक बिल्कुल वन साइडेड वीडियो डाली जिसकी वजह से मुझे डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं, मुझे रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ इट यू नो नाउ टू जस्ट जस्टिफाई योरसेल्फ, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन You and others। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट्स में। तो भाई हम लोग बात करने वाले हैं अभी कॉलैब के बारे में जो कि होने वाला है भाई ट्रिगर्ड इंसान एंड साथ में स्काउट के बीच में। तो आखिर है भाई यार वो कौन सा कॉलैब? तो भाई जो कि है ट्रिगर्ड इंसान की मोम। तो भाई वो अपने व्लॉग में भाई कुछ यार बात करती है इनके बारे में भाई, उसमें ट्रिगर्ड इंसान भाई खुद ही व्लॉग शूट करते हैं। तो आखिर भाई वो कौन सा शूट कर रहे हैं एंड भाई क्या कुछ उसके बीच में रहा, तो मैं आपको उसका एक छोटा सा क्लिप लगा के दिखा देता हूं भाई, देखो। स्काउट भाई आर यू रेडी? गाइस धूम 5 आने वाली है फीचरिंग स्काउट एंड मी। दिखाओ क्या धूम मचाले करना। अरे इसको प्लेट के साथ तबनेल ले लिया मजेदार। देखो साइड वाले टायर इन्होंने लगाए हैं, मैंने मना किया था पर ये कह रहे हैं कि नहीं सेफ्टी है, तुम्हारी सेफ्टी है स्काउट के लिए। बेसिकली साइड टायर स्काउट के लिए लगाए हैं। हाँ मेरे को बाइक चलाने आती नहीं है। नहीं नहीं उसको पीछे बैठता है ना तो उसकी सेफ्टी के लिए साइड टायर लग रहा है। मेरे को लग रहा है कि मिस्टर गिली मार रहे हैं।
चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो भाई हम लोग बात करने वाले हैं एलविश यादव के बारे में। तो भाई क्या एलविश यादव भाई इस चीज को आप सबको करें यार रिक्वेस्ट, तो आखिर भाई है यार वो कौन सी चीज, तो भाई क्या कुछ बताया एलविश यादव। तो भाई उनके यार व्लॉग में आपको एक छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ भाई, आप लोग खुद ही सुन लीजिए। चीज बताया गया भाई, दो पैर में ना घर वाले सोते हैं, समझ रहे हो, जो मेरी एज के बच्चे होंगे जिनके घर वालों की एज होगी 50+, कईयों की 40+ होगी, आप लोगों को देखा होगा कि भाई आपके घर वाले ना सोते हैं दो पैर में। मेरे घर पे सिर्फ एक दिक्कत क्या है कि बाहर लोग आ जाते हैं। अभी मैंने दो जनों को भाई बोला, धमकाया मैंने कि भाई तुम यार पागल हो, बाहर खड़े खड़े अंटी चिल्ला रहे दो पैर में, मम्मी सो रही है, मम्मी बेचारी उठ रही है, सर में दर्द हो रहा है। भाई देखो ये मेरा काम अपनी जगह है, मेरी प्राइवेट लाइफ अपनी जगह है, मेरे घर वाले अपनी जगह है, और मेरे इस चीज के चक्कर में कि लोग आ रहे हैं घर के बाहर, घर वाले मेरे तंग हो रहे हैं, अगर उनका पूरा दिन ही खराब जा रहा है तो मेरा ये काम भी किसी काम का नहीं है कि भाई इतना नाम कमाया जो भी कर रहा हूं मैं, ये फिर किसी काम का नहीं बचेगा अगर मेरे घर वालों की हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी। तो प्लीज मैं 10,000 बारी रिक्वेस्ट कर चुका हूं, मैं 1,000 बारी और हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करता हूं कि भाई मेरे घर मत आया करो यार, बस मेरे घर मत आया करो, और कहीं भी मिल जाऊं मैं विनती कर सकता हूं आप लोगों से हाथ जोड़ के। ये नहीं मत समझना कि भाई मिलना नहीं चाहता, भाई धूप इतनी हो रही है, घर वाले सोते हैं चैन से यार, उनको सो जान दिया करो भाई। चलेगा इस बात की आज के लिए मेरे को बस कुछ यही कुछ अपडेट्स मिले थे, एंड आई नो भाई यार आप सबको पसंद आए होंगे, एंड अगर आप लोग यार चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई यार सब्सक्राइब जरूर से कर लेना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।